मित्रों जय माता दी, माता रानी की कृपा से आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो आप सभी कन्या राशि के लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि आज के दिन कन्या राशि के लोगों को जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन के आप लोगों के रात्रि कैसा होगा। 28 मार्च की रात्रि 2:45 से आप सभी के जीवन पे कन्या राशि के लोगों को जीवन में आपका हाथ जो है शून्य होने वाला है। कर्मों का घड़ा भर चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिसका है डर वही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी देखना, सावधानी रखना, काफ़ी वृद्धियाँ होगा और आप लोगों के जीवन के कुछ सपनों को पूरा करने का कार्य हो सकता है। बहुत ही सारी परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति को प्रदान करने का कार्य किस प्रकार हो है आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कैसा होगा दिन, किस प्रकार मिलेंगे शांति, क्या घटनाएं जीवन पे घटने वाली हैं, ये चीज़ों को लेकर सकारात्मक परिवर्तन होने वाली हैं। आज आप लोगों को बताना चाहेंगे जी हाँ दोस्तों कि कैसा होगा दिन, किस प्रकार होंगे लाभ, क्या घटनाएं जीवन पे घटने वाली हैं, किन चीज़ों को लेकर सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से हर प्रकार के कार्य आप लोगों के व्यवस्थित किस प्रकार होते चले जाएंगे। आप लोगों का व्यापार व्यवसाय करियर बनाए पर आप लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सा वह बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकते हैं, तो आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा, आप लोगों के जीवन में किस प्रकार से लाभकारी योजनाओं को बनाना आपके लिए किस प्रकार से शुभ हो सकते हैं, तो किस प्रकार से बेहतर हो सकते हैं, तो आज आपको बताएंगे आपको कौन सा महत्वपूर्ण काम काज को अंतिम रूप तक देना पड़ सकता है, तो किस प्रकार से आपके जीवन में समस्याओं को दूर भगाया जा सकता है, तो आपकी आर्थिक तंग भी किस प्रकार से जीवन में आपके पड़ सकते हैं। दोस्तों आज के दिन आपको प्रकार से समस्याओं को दूर भगाया जा सकता है, आपकी तंगियाँ भी किस प्रकार खत्म हो सकते हैं, किस प्रकार विशेष बड़ी खुशखबरी मिल सकते हैं, तो आपको बताएंगे इस बड़ी में आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ऐसे में इस बड़ियों को पूरा से पूरा अवश्य देखें ताकि आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से आप लोगों को छुटकारा मिलने के साथ साथ आपके जीवन में परिस्थितियों से आप लोगों को मुक्ति की प्राप्ति हो सकेंगे। तो लगातार इस बड़ियों के अंत तक जरूर आप सभी बने रहें। उससे पहले बड़ियों को लाइक करें, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखने का कार्य करें। तो दोस्तों दिन शुभ हैं, कार्य व्यवस्थित हैं, मनोकामना आपकी हद से ज़्यादा पूरी होंगी, प्रभावशाली तथा प्रतिभा चीज़ों को लेकर विकसित करना हो सकता है, बहुत ही सारी चीज़ों को लेकर विकसित करना हो सकता है। कोर्ट केस से संबंधित मामला चल रहा है, तो सूझबूझ और विवेक से काम कीजिए, सफलता तो निश्चित है। आज के दिन बच्चों की कार्य से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से घर में खुशनुमा वातावरण रहेगा। किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति से सहयोग के द्वारा फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी आज के दिन कागजी कार्यवाही करते समय लापरवाही न करें, वरना आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय ना ले रहे हैं, इनसे आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान को केंद्रित रखना होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित बिजनेस में मंदी का असर रह सकता है। प्रॉपर्टी के बिजनेस में महत्वपूर्ण रूप से डील फाइनल हो सकते हैं। कागजी काम भी सावधानी के साथ कर सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को अचानक से स्थान परिवर्तन से संबंध कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकते हैं। अपनी व्यवस्थित दिनचर्या में से कुछ समय घर परिवार के लिए जरूर निकालने हैं। प्रेम संबंधों में आपसे सामने के अभाव की वजह से दूरियां आ सकते हैं। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रह सकता है, घर परंतु घर के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकते हैं। दिन की शुरुआत शांति प्रसन्नताओं के साथ हो सकती है। कठिन प्रश्नों के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। भले ही आप इसकी चर्चा किसी भी व्यक्ति के साथ न करें, लेकिन आज अपने विचारों में स्पष्टताएं लाने की कोशिश आपको सफलता दे सकती है। इसके कारण जो भी बातें आपके जीवन में कठिन महसूस हो रही हैं, उनका आगे अगले ही कुछ दिनों में सुलझाया जा सकता है। वरिष्ठ लोगों की नाराजगी को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। रिलेशनशिप में अस्थिरताएं बने रह सकते हैं। पार्टनर्स व्यक्तिगत बातों पर ध्यान जरूर लगा सकते हैं। पेट से शांत आप लोगों को दिक्कतें हो सकते हैं। सकारात्मक परिवर्तन को प्राप्त करना हो सकता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोगों के जीवन पर होंगे। आज दिन मौज मस्ती और मनोरंजन से संबंधित गतिविधियों में बीत सकता है। विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे लोगों को आज कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। किसी भी नजदीक की संबंधी की परेशानियों में उनकी आर्थिक रूप से मदद करने से आत्म रूप से शांति और सुकून मिल सकता है। खर्चों की अधिकताओं का दुख भी नहीं हो सकता है। आय के साधन अभी सामान्य होंगे। पड़ोसियों के साथ अभी किसी भी छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। यह समय अपना दृष्टिकोण आज के दिन सकारात्मक बनाए रखें, अपने आक्रोश और गुस्से पर काबू रखें। व्यावसायिक परिस्थिति पहले जैसे रह सकते हैं। यह समय नए काम की शुरुआत की बजाय वर्तमान परिस्थितियों पर गतिविधियों पर आपको ध्यान रखने होंगे। निजी संपर्क के द्वारा कोई भी मान पहचानदार फायदेमंद ऑर्डर बन सकता है। मार्केट में
आपकी छवि उत्तम बने रह सकते हैं। सरकारी स्वास्थ्य लोगों के ऊपर काम की अधिकताएं रहने से तनाव रह सकता है। पति पत्नी के संबंध भी मधुर हो सकते हैं। घर के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप करना ठीक नहीं होंगे। स्वास्थ्य के मामलों में ज्यादा लापरवाही न करें। छोटी सी समस्या हो जाने पर तुरंत इलाज करना हो सकता है। करीबी व्यक्ति के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करें। नए लोगों के साथ जुड़ने की वजह से नई बातों को सीखना आपके लिए आसान हो सकता है। लोगों से प्राप्त हो रहे अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अपने लक्ष्य पर तय करना आप लोगों के कर पाना संभव हो सकता है। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को उपेक्षा के अनुसार काम प्राप्त हो सकता है। पार्टनर से कमिटमेंट प्राप्त होगा, लेकिन इसे विवाद में तब्दील करने में वक्त लग सकता है। पेट से संबंधित तकलीफ में पड़ सकते हैं। संगठनात्मक नजरिए को देखना हो सकता है। संगठनात्मक परिवर्तन को करना हो सकता है। आज कोई भी चीज़ों को लेकर विकसित करना हो सकता है। IDYNIDI आप जैसी एजेंसियों के अधिकारियों के लिए उपलब्ध कार्य प्रक्रिया सकता है। समय बेरोजगारों के लिए अधिक अनुकूलताएँ रह सकते हैं। निकट परियोजनों के संबंध में मधुरताएँ रह सकते हैं। मानसिक तनाव भी कम हो सकता है। आज कोई रुकी हुई पेमेंट हासिल हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आ सकता है। कुछ सामाजिक रूप से गतिविधियों में आपको जरूर लगाने हो सकते हैं। इनसे संपर्कों का दायरा बढ़ सकता है। नई नई जानकारियां हासिल हो सकते हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट न करें। इस वजह से आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं। व्यर्थ होगा कि अपने कार्य के प्रति एग्रचित रहें। किसी भी प्रकार की आवाजाही करने से परहेज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। मानसिक स्थिति कुछ विचलित हो जाने की वजह से व्यवसाय में ध्यान नहीं लगेगा। भविष्य संबंधी योजनाओं के लिए मेहनत जरूरी होगा। अपना मनोबल मजबूत बनाए रखना होगा। नौकरी पेशा वाले लोग जो भी आज लोग भी आप आज ऑफिस के ऑफिशियल कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। अपनी भावनाओं का संतुलन और संयमित रखना हो सकता है। किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षक पड़ने से पर्सनल जो है लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। स्वास्थ्य ठीक ठाक रह सकता है। अपने आत्मबल की कमी महसूस कर सकते हैं, जिसका असर आप लोगों की कार्य क्षमताओं पर भी पड़ सकता है। यह चीज़ों को लेकर संगठनात्मक परिवर्तन को प्राप्त करना हो सकता है। गलत लोगों का साथ देने की वजह से आज आप खुद को जो है नुकसान करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नुकसान करा सकते हैं। अपनी क्षमताओं से बाहर किए गए काम कारण पैसों से संबंधित चिंताएं महसूस हो सकती हैं। आज के दिन व्यापारी वर्ग को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आज बड़ा निर्णय आज के दिन ना लेना है। आपको जिस भी व्यक्ति के लिए आकर्षक महसूस हो रहा है, आज उस व्यक्ति को आपके लिए आकर्षक महसूस होने लगेगा। वाहन भी सावधान रूप से संभल कर चलाने की आवश्यकताएँ दे सकते हैं। चोट लगने की आशंकाएँ लग रही हैं या चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब हो सकता है या भगवान भोलेनाथ कि किसी न किसी पर छाया दृष्टि रह सकती हैं। महिला पुलिस अधिकारी वर्ग को प्रशंसा मिल सकते हैं। पारिवारिक अन्याय पटासीन अधिकारियों के लिए कृपालु सिद्ध हो सकता है। दोस्तों कोशिश करें कि परियोजनों के साथ किया गया विवाद निभाएं। गले में खिंचाव रह सकता है। कन्या राशि के लोगों को करियर में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकते हैं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बैठ मुलाकातें हो सकते हैं। संतान के साथ भ्रमण में जा सकते हैं। आज आंखों को लेकर अतिरिक्त रूप से सावधानी रखना हो सकता है। दिन शुभ होगा।